हे एवरीवन, गुड इवनिंग। बिकॉज अभी टाइम हो रहा है 5:30, 5:30 बजे मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने कुछ शूट नहीं करा था और आज मेरा मन भी नहीं हो रहा था। तो मेरे ना 2-3 दिन से लगातार फास्ट आ रहे हैं। देखिए, सोमवार का आ गया, फिर मंगलवार छोड़ के बुधवार मतलब कि वेनसडे का हो गया, और आज है गुरुवार, गुरुवार का भी है थर्सडे का। तो मेरा ना मन भी नहीं हो रहा था आज कि मैं ये करूँ, ब्लॉगिंग करूँ। तो आज मैंने ये पर्पल वाली साड़ी वेयर करी है, और ये देखिए यहाँ पर मैंने पूजा की माननी करी थी, मॉर्निंग में करी थी। फूल वगैरह जो है ना, आपको दिखाती हूँ पास से। ये देखिए फूल वगैरह जो है ना, वो मुरझा गए हैं। आज है गुरुवार, गुरुवार की हमारी होती है मार्गशीर्ष के महीने में जो गुरुवार आते हैं ना, उसके फास्ट होते हैं। तो बस आज फास्ट है मेरा, और उपवास के कारण ना मेरा आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। मैंने कुछ खाया ही नहीं है आज, तो इस वजह से वॉइस भी नहीं निकल रहा है। और मेरी आंखें देखिए कितनी अंदर चली गई है ना। तो चलिए मैं अपने हेयर कॉम कर लेती हूँ और फिर दिया बाती की तैयारी करती हूँ। मुझे पोथी, ये जो पोथी होती है ना, ये देखिए ये पोथी होती है कुछ इस तरह से। तो ये पोथी, ये जो व्रत कथा है ना, इसे हमें सुननी है या तो फिर बोलनी है। तो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे जिम से, अभी मेरे हस्बैंड गए हैं जिम मॉर्निंग में और शाम में, दोनों टाइम जिम जाते हैं। तो जिम करके आएंगे, उसके बाद हम ये पोथी वगैरह जो है वो पढ़ लेंगे। तो मैं तब तक हेयर कॉम कर लेती हूँ और थोड़ा सा ना खाने की थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ, मतलब खाने की, मतलब खाना बनाने की है ना। तो चलिए मैं खाना बनाने की थोड़ी सी तैयारी कर लेती हूँ। वैसे मैं आज बनाने वाली हूँ, आपको मैं दिखाती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ हरी मिर्च जो फ्राई करते हैं ना, ये देखिए मैंने काट के रख दी है नमक वगैरह लगा के। और गवार की फली भी मैं बनाने वाली हूँ, गवार भी मैंने चुन के रख दिया है। तो ये देखिए गवार। तो बस अभी मैं क्या करती हूँ, कढ़ी भी बनानी है, शायद मैं कढ़ी भी बनाऊँगी। अभी मैं अपने हेयर कॉम कर लेती हूँ और उसके बाद जो है मैं पूजा वगैरह करके फिर आपसे मिलूँगी। ओके, चलिए। टुडे इज़ माई रंगोली, लक्ष्मी माता प्रसन्न। तो आ गई हूँ मैं किचन में, थोड़ी सी खाना मतलब बनाने की थोड़ी सी तैयारी हो जाती है ना तो अच्छा होता है, क्योंकि शाम में ज़्यादा मतलब ये हो जाता है, पोथी भी पढ़ो मतलब व्रत कथा भी पढ़ो और दिया बाती भी करो और फिर खाना भी बनाओ। तो उससे अच्छा क्या होगा, हम अगर पहले से प्रिपेयरिंग करके रखेंगे ना, कुछ खाने की तैयारी करके रखेंगे, तो हमारा काम जो है ईजी हो जाता है। तो मैं खीर के लिए ना बासमती चावल का यूज करती हूँ, तो इस वजह से मैं ऊपर चढ़ी थी, और बासमती चावल जो है वो थोड़ा सा निकाल लूँगी। बासमती चावल से हमारी जो खीर है ना, उसका जो टेक्सचर है वो भी अच्छा आता है, गाढ़ा गाढ़ा सा आता है, चिकना चिकना, और साथ ही साथ उसका जो एक स्मेल है ना बासमती चावल का, वो भी आता है खीर के अंदर। तो जो अरोमा होता है वो बहुत मस्त होता है। खुशी बोल रही थी कि मम्मा मैं आपकी वीडियो में दिख रही हूँ क्या, क्योंकि वो साइकिलिंग कर रही थी इस वजह से। तो बच्चों को होता है ना बड़ा शौक होता है वीडियो में आने का, तो बस उसके बाद वो चली गई और मैं अपने काम पे लग गई। तो मैंने सोचा मैं कढ़ी भी करने वाली हूँ, तो कढ़ी के लिए जो बैटर बनाते हैं ना हरी मिर्च और अदरक लहसुन का, तो वो बना के रख देती हूँ। इस वजह से मैंने मिक्सी चला लिया था, आप देख ही सकते हो मैंने हरी मिर्ची वगैरह जो है वो तोड़ के डाल दी है। और हमारे यहाँ पर ना फास्ट हो चाहे ना हो मतलब एक आइटम से कुछ होता नहीं है, तो हमारे यहाँ पर 3-4 आइटम तो होते ही होते हैं। तो ये मैंने लहसुन निकाल लिया और डाल दिया, साथ ही साथ मैं अदरक भी डाल दूँगी क्रश करके। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ पर कि एक चीज़ और मतलब सब्जी रोटी से हमारा मन नहीं भरता, तो कुछ ना कुछ मतलब साथ में होना ही चाहिए। और फ्राई करी हुई चीज़ें तो मुझे लगती ही है, मुझे अच्छा लगता है फ्राई की हुई चीज़ें चाहे जो भी हो। तो बस मुझे मतलब ना ऐसे पूरी थाली जो है वो सजी होनी चाहिए, भरी होनी चाहिए, ऐसा खाना अच्छा लगता है। तो बस थोड़ा थोड़ा क्यों ना हो, पर पूरी थाली जो है ना वो सज के अच्छे से पूरी भर जाए, उतनी मुझे पसंद है। तो इस वजह से मैं ज़्यादातर मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में जो है ना वो बनाती हूँ खाना वगैरह। तो यहाँ पर मैं ये दही का जो मोहन है ना वो निकाल लूँगी, हम यहाँ पर मुरन बोलते हैं, मोहन नहीं सॉरी, मतलब कि मैं कल इसमें ही दूध डाल के
दोबारा से दही बना लूँगी, तो थोड़ा ज़्यादा था इस वजह से निकाल लिया है मैंने। तो ये एकदम मस्त गाढ़ा वाला दही है, ये देखिए इसमें मैं पानी डालूँगी। हमारे महाराष्ट्र में जिस काइंड ऑफ से बनाते हैं ना, उसी काइंड ऑफ से मैं दिखाऊँगी आपको। और इसमें अभी डलेगा बेसन का आटा, तो बेसन का आटा मैं इतना डालूँगी, ये देखिए। अभी इसको अच्छे से हमें हिलाना है, तो इसके लिए ना मैं ये लाती हूँ थोड़ा सा, एकदम गाढ़ी वाली दही आएगी हमारी। गाढ़ी वाली दही है तो साथ में ना थोड़ा सा पानी भी डालेगा। हमें जो कड़ी है ना वो गाढ़ी वाली नहीं पसंद, तो जो पतली आती है ना वही अच्छी लगती है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने ये कर लिया, अभी हम इसको बना लेंगे। चलो तेल में मैंने राई जीरा डाल दिया, कड़ी पत्ता डाल दिया, और वो जो मैंने हरी मिर्च का बैटर बनाया था ना वो डाल दिया। और अच्छे से फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम वो जो हमारा ये है कड़ी का बैटर, तो ये देखिए मैंने कड़ी बना ली है, क्योंकि ना थोड़ा सा खाना अगर पहले बन जाए तो अच्छा होगा, बाद में मैं पोथी वगैरह ये करूँगी। अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ, क्योंकि फास्ट के दिन मैं ज़्यादा ही बनाती हूँ। और वैसे भी मेरा ज़्यादा ही होता है, मतलब थोड़ा थोड़ा होता है क्वांटिटी, बट चार पांच प्रकार होते हैं ना तो देर लगती है। तो कड़ी हमारी बन चुकी है, ये देखिए। और महाराष्ट्र में ना इसी काइंड ऑफ के बनाते हैं पतली वाली कड़ी, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाते। टुडेज डिनर, तो ये है आज का हमारा डिनर, गरम गरम खिचड़ी, बाजरे की रोटी, ये भरवा मिर्च कचौरी है, साथ में हरी मिर्च फ्राई की हुई, ये हमारी लक्ष्मी माता के लिए खीर का नैवेद्य, हरे मटर, आलू और फ्लावर की सब्जी, यहाँ पर मेथी की सब्जी, मिक्स वाली सब्जी है ये। ये है कड़ी और ये है हमारा हलवा। तो ये है हमारा आज का डिनर, तो कैसा लगा आप लोगों को ये देखिए। हमारे घर में पहले भगवान जी को, हमारे जो ये है देवी देवता, उनको भोग लगता है, उसके बाद ही हम खाना खाते हैं। और मेरे बच्चे भी इतने ज़्यादा समझदार हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ, वो मतलब भोग लगाने से पहले कुछ भी चीज़ें झूठा नहीं करते हैं, तो भोग लग जाने के बाद ही हम खाना खाते हैं। तो हम यहाँ पर सारे बैठे हैं खाना खाने के लिए, और मैं राज से पूछ रही थी कि आपको क्या पसंद है, मेरे हस्बैंड से पूछ रही थी आपको क्या पसंद आया आज के खाने में, तो सभी को आज ना मिर्ची ज़्यादा पसंद आई। और राज देखिए, राज तो ज़्यादा ही मुँह बनाता है, और वो ना मतलब ऐसे ही नाटक करता है। तो ये देखिए, खुशी को जो है ना कड़ी पसंद आई थी, और मेरे हस्बैंड को मिर्ची, मुझे भी मिर्ची, और राज को भी मिर्ची पसंद आई थी आज। वैसे कड़ी भी बहुत टेस्टी टेस्टी बनी थी आज, बहुत मस्त खाना बना था। खाना वगैरह तो हो गया, पर अभी बर्तन वॉश करने के लिए ना बड़ा आलस आ रहा है। ये देखिए सारा जो बिखेरा है ना वो यही का यही पड़ा है, समेटा नहीं है अब तक। खाना खा के यही बैठी हूँ, 10 मिनट से ऊपर हो गए खाना खाए, और ऐसी ही बैठी हूँ मैं। तो अभी ये तो समेटना पड़ेगा, बर्तन तो वॉश करने ही पड़ेंगे। तो चलिए मैं पहले ये समेट लेती हूँ, और उसके बाद बर्तन वगैरह वॉश करके, यहाँ पर झाड़ू पोछा भी लगाना होता है तो वो भी लगाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे वीडियो का एंडिंग मैं यहीं पर कर दूँ, वीडियो जो है लंबा हो जाता है, इस वजह से मैं जो है वीडियो का एंड यहीं पर कर देती हूँ, और वीडियो ख़त्म करते हैं। हमारा आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर से कमेंट में बताना, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय।